हम प्रारंभ करें। आवाज यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाए, अपने उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि महान यहोवा महान ईश्वर और सब देवता के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी की गहरी स्थान उसी के हाथ में और पहाड़ की चोटियां भी उसी की है। यह प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा दय दिन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर तेरे भवन में आकर ऑनलाइन सर्विस करने का अवसर तूने हमें दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। इस ऑनलाइन सर्विस में जो सहभागी हुई उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते सब पर तेरी ढेर सारी आशीष उन्हें, खासकर MM MY के जवानों के लिए हम मांगते सब पर तेरी कृपा अनुग्रह दया होने दे। आज के भक्ति के द्वारा तेरा गौरव होने पाए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हम सब खड़े रहेंगे गीत नंबर 457 457 याहो।
सर्वसमर्थ देवतो सुद्धा आकाश पृथ्वी याचा उत्पन्न करता त्यावर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एक होता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भून झाला कुमारी मरियमचा जन्मा झाला त्याने पंधराचं दुःख भोगिले ज्याला वधस्तंभे दिले जो मरण पावला व ज्याला पुरिले तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे येशू जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे त्यावर विश्वास ठेवितो पवित्र आत्मा पवित्र पवित्रांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाची पुरुषा आणि सनातन जीवन यावर विश्वास आमेन। कलीसिया को विनती अपने स्थानों में बैठ जाए। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हो परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह जो पिछले अगस्त महीने में हमारे ऊपर मुंडे थी प्रभु परमेश्वर हर एक चढ़ाव चढ़ाव और उतार में से प्रभु परमेश्वर ने हमें ले गया प्रभु परमेश्वर तो हमारे साथ था तो हमारी सुधी ली हमारे हर एक जरूरतों को हमारे लालसाओं को तूने पूरा किया तेरा मन से धन्यवाद करते। आज प्रभु परमेश्वर आने वाले सितंबर माह के लिए हम मांगते प्रभु परमेश्वर जो भी योजना तूने बनाई प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी पूरी करने में प्रभु परमेश्वर तो हमें सहायता मदद तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर इस प्रकार तेरे पास विनती करते। खासकर प्रभु परमेश्वर हम आने वाले सितंबर महीना के हर एक हमारे एक्टिविटीज के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर जो भी प्रभु परमेश्वर योजना तू बनाता है प्रभु परमेश्वर उसके तहत हम चले इस प्रकार का मन और आत्मा तेरा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तू हमें प्रदान कर उसके द्वारा केवल तेरा गौरव रह पाए प्रभु प्रार्थना करते। खासकर प्रभु परमेश्वर आने वाले सितंबर महीना में जो भी ऑनलाइन सर्विस होगा जो भी प्रभु परमेश्वर चर्चेस प्रभु परमेश्वर खुले होने के जो संकेत है प्रभु परमेश्वर केवल तेरे द्वारा होने दे प्रभु परमेश्वर और जब भी हम उस एक्टिविटीज में जाएंगे प्रभु परमेश्वर तेरे मार्गदर्शन में चले अनुशासन में चले प्रभु परमेश्वर उसी प्रकार जो प्रशासन है गवर्नमेंट है उसके अनुसार चले इस प्रकार का मन और आत्मा हम सबको दे प्रभु परमेश्वर इस प्रकार का मन हमें प्रदान कर इस प्रकार तेरे द्वारा विनती करते हैं। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मांगते प्रॉपर संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट संडे स्कूल के टीचर्स और बच्चों के लिए मांगते सब पर तेरे ढेर सारी आशीष दे प्रभु परमेश्वर इस महामारी में आज तक प्रभु परमेश्वर हमारे सारे बच्चों को टीचर्स सुपरिंटेंडेंट को बचा रखा तेरा मन से धन्यवाद करते हम प्रार्थना करते एमएम और एमएफ के जवानों के लिए प्रार्थना करते सब पर तेरे ढेर सारी आशीष दे प्रभु परमेश्वर इस पिछले 5-6 महीने में जो परिश्रम उन्होंने किया प्रभु परमेश्वर गरीबों को दान देने के रूप में गरीबों को अनाज बांटने के रूप में पैसा देने के रूप में डोनर के लिए प्रभु परमेश्वर जो उन्हें तैयार किया तेरा मन से धन्यवाद करते। उसी प्रकार ये ऑनलाइन भक्ति चलाने के लिए जो जो लोगों ने अपने हाथ बांध लगाया तमाम लोगों को उनके आशीषों को प्रभु उनको आशीष प्रदान कर उनके परिवार को सुख शांति और समाधान प्रदान कर इस प्रकार विनती करते। इस ऑनलाइन सर्विसेज में जिन्होंने आनंद लिया प्रभु परमेश्वर आशीष पाई प्रभु पर उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते उन तमाम लोगों को तेरी कृपा अनुग्रह दया से भर दे इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर इन तमाम लॉकडाउन में जिन्होंने म्यूजिक दी प्रभु परमेश्वर एडवोकेट सैमसन करकरे उसी प्रकार तमनवार जॉनसन इन तमाम लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष सुनियन हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन पीरियड में मार्टिन नागोरे ने जो शूटिंग की प्रशांत बंसोर साहब द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त हो तमाम लोगों के लिए हम मांगते प्रभु परमेश्वर तमाम लोगों पर तेरे ढेर सारी आशीष जिन्होंने प्रेज एंड वर्शिप की उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम लोगों पर तेरे ढेर सारी आशीष सुनियन हम प्रार्थना करते। खासकर माता बहनों के लिए जो काम करते और अपने परिवार को चलाते उन तमाम माता बहनों के लिए हम प्रार्थना करते संयम धीरज का आत्मा दे आज तक उन्हें संभाल रखा तेरा मन से धन्यवाद करते। खासकर जो माता बहने प्रभु परमेश्वर जॉब को जाते उन माता बहनों के लिए प्रार्थना करते सारे महामारी से बुराई से बुरी नजर से दुर्घटनाओं से उन्हें बचाए रख और उनके द्वारा तेरा गौरव होने पाए। जो माता बहने घर बैठकर अपने परिवार की सेवा करते तेरे भक्ति में शामिल होते उन तमाम लोगों के लिए माता बहनों के लिए प्रार्थना करते उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष सुने प्रार्थना करते। खासकर प्रभु परमेश्वर हमारे मेथडिस्ट हमारे पार्षद कमेटी और कॉन्फ्रेंस के लिए मांगते प्रभु उन तमाम लोगों पर भी तेरे ढेर सारी आशीष सुन उनको लगने वाले हर एक जरूरत तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी कर आने वाले माह में जो भी एक्टिविटीज होने वाले हैं जो भी प्रभु परमेश्वर
संकेत मिलने वाले को उसके अनुसार हम चले, इस प्रकार से मन और आत्मा दे, हम सच्चाई से और तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने दे। पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए भी मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष दे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम अधिकारियों के लिए मांगते हैं, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष दे। जो भी योजना डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए प्रभु परमेश्वर, उसको मुकम्मल करने के लिए प्रभु परमेश्वर, हासिल करने के लिए सहायता मदद कर। खास प्रार्थना करते हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के लिए, मैडम के लिए, तमाम डीएसएस इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, स्कूल्स हॉस्टल्स के लिए मांगते हैं, तमाम लोगों की जरूरतों के अनुसार प्रदान कर। इस प्रकार विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे चर्च इन इंडिया के सब तमाम अधिकारियों के लिए, बिशप के लिए प्रभु परमेश्वर, उन पर भी तेरी ढेर सारी आशीष दे। खासकर आज के वचन के द्वारा तो हमसे बातचीत कर प्रभु परमेश्वर, प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा हमसे तू बातचीत कर, हमें तेरा गौरव करने का अवसर दे। इस प्रकार विनती करते हैं, खासकर हम बीमार लोगों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर, जो बीमार है चंगाई दे प्रभु परमेश्वर, क्रिया जो भी लड़की है प्रभु उसके ब्रेन में जो प्रॉब्लम है प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास मांगते प्रभु, तेरे जगमेत का स्पर दे, चंगाई दे। उसके पिता प्रभु परमेश्वर रोज तेरे भवन में आते हैं, उसको चंगाई दे, उसके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हम तमाम लोगों को दे। इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार हम आज की इस भक्ति के लिए मांगते, आज हमने गीत प्रार्थना वचन सबको तो आशीषित कर, जो ऑनलाइन इस भक्ति को सुन रहे उन तमाम लोगों को भी तो आशीष से माला मांग कर, आगे का सारा समय हम तेरे हाथ में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुधार कबूल कर, आमीन। आमचा स्वर्गातील बापा, तुझी महानता सुमारे तुझे हम सब खड़े रहेंगे अपने स्थानों में और गीत नंबर 333 उपासना संगीत, गीत नंबर 333 उपासना संगीत।
65 जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करें। रेस्पॉन्स रीडिंग साम 65:1-7, रेस्पॉन्स रीडिंग भजन संहिता 65:1-7 जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करें। रेस्पॉन्स रीडिंग साम 65:1-7 आखिरी वचन हम सब मिलकर बोलेंगे। भजन संहिता इसका 65:1-7, हे परमेश्वर सिय्योन में तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढाक देगा। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पृथ्वी के दूर दूर देशों के और दूर दूर के समुद्र पर के रहने वाले के अधिकार तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए है अपने सामर्थ्य परतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द उसकी तरंगों का महाशब्द और देश के लोगों का कोहला शांत करता है। उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 40वां अध्याय 8वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 40:4-0 और उसकी 8वीं आयत आज के मनन के लिए चुनी गई। जेनेसिस चैप्टर 40:8 हमारे लिए जिसे प्राप्त हो हमारे लिए अगुवाई करें। उत्पत्ति 40 करता जवानों को कि प्रेजेंट वर्शिप ने हमारे लिए अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आज धन्य धन्य मिजाजों यीशु राजा हमारा बेटा यीशु राजा हमारा इस गीत को हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर स्तुति हम करेंगे। आज धन्य धन्य मीजालो यीशु राजा मला बेटला। आज धन्य धन्य मीजालो यीशु राजा मला बेटला। हालेलुया हालेलुया यीशु राजा मला बेटला। हालेलुया
जिंदगी पाता है।
जो तू उसे
मेरे भवन में एंटर किया, इसलिए मेरे नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जाने कितने लोग पिता परमेश्वर जानने के लिए तरस रहे, लेकिन पिता परमेश्वर हमको इससे मौका दिया, इसलिए मेरे नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं आज के पिता परमेश्वर प्रेरणा वर्षित जी के पिता परमेश्वर वर्षित पिता परमेश्वर स्वर्ग में माने की ऐसे हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे द्वारा पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते डीएसएल के लिए पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर को अपने हाथों के लिए पिता परमेश्वर आज जो वचन को आपके सुनाने वाले पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके द्वारा को अभी बात करें सामने दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सुनने वाले सभी को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर देगा, हमें पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। एक छोटी सी विनती उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर लेना, आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे सुंदर से प्रेरित वर्षिप के द्वारा। परमेश्वर का गौरव करने का अवसर हम सबको दिया यमयम और यमवाक के द्वारा, धन्यवाद देते। आज के मनन के लिए चुनाव शास्त्र पाठ जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 8 उत्पत्ति का ग्रंथ इसका 40वां अध्याय 8वीं आयत आपके लिए पढ़ी गई। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम तेरा नए दिन से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। इस ऑनलाइन सर्विस में तेरा वचन बोलने का अवसर तूने मुझे दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर, आमीन। 9 अगस्त यानी कि 9/8/2020 को मैंने आपके सामने यीशु के बारे में संदेश दिया था कि यीशु के इसराइल राष्ट्र का पहला अगुआ था, मूसा के पहले भी ये यीशु था, और इसराइल का ये पहला अगुआ हम देखते हैं कि जिन्होंने इसराइल में इसराइल राष्ट्र जब मिस्र में था वहां रहने की पूरी व्यवस्था इन्होंने की। ये सब आप जानते हैं कि परमेश्वर की योजना थी। तो मैं अगुए के बारे में बता रहा था 9 तारीख के संडे को कि एक परिवार में एक अगुआ होता है, एक कलीसिया में भी अगुए होते हैं अलग अलग, और उस परिवार को और उस कलीसिया को चलाते, जरूरी नहीं वो लड़की हो या लड़का, लेकिन परमेश्वर हर परिवार में एक अगुआ देता है जिसके द्वारा उस परिवार को परमेश्वर चलाता है। कलीसिया में भी बहुत से अगुए होते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर कलीसिया को चलाता है। यदि वो परमेश्वर की ओर से अगुवाई आती है तो आशीष भी और सफलता भी परमेश्वर की ओर से आती है। अगुवाई परमेश्वर देता है। मैं बार बार आपको बताता यूहन्ना 15:16 के अनुसार हम नहीं चुनते परमेश्वर को, परमेश्वर हमको मुझे और आपको चुनता है। और उसी प्रकार आप अलग अलग एक्टिविटीज यदि करते हैं तो आप कभी मानना नहीं कि मैंने ये चुना है, ये परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप आए सामने गाए अगुवाई करें, वचनों में अगुवाई करें, गीतों में अगुवाई करें, म्यूजिक में अगुवाई करें, अलग अलग सामाजिक कार्य में अगुवाई करें। तो ये सामाजिक कार्य में अगुवाई इस यीशु ने किया। ये पहली बार आप जब देखते हैं कि पहली बार यीशु ने परमेश्वर का नाम लिया, इस वचन में आप जब पढ़ेंगे आप जब देखेंगे कि इसमें परमेश्वर का नाम उन्होंने पहली बार लिए हम इस प्रकार से देखते हैं। वो बधर्मी था ये सब हम जानते हैं। वो बड़ा अगुआ इसलिए बना कि उसने अपने भाइयों को क्षमा की। वो बड़ा अगुआ इसलिए बना कि उसने उसका मन बहुत बड़ा था, उसकी सोच बड़ी थी, विचार जो था उसका वो बड़ा था। और जब हम जेनेसिस 48 में जब पढ़ेंगे 40वां अध्याय 8वीं आयत में आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा, यूसुफ ने उनसे कहा क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं, मुझे अपना स्वप्न बताओ। कितना कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के ऊपर। कितना कठिन था ये सब, हो सका तो अगले संडे भी परमेश्वर यदि मौका देता, बड़ा अच्छा इसमें अर्थ। लेकिन आज हम ये जो
लोगों की जो थी, आठवीं आयत में लिखा, उन्होंने उनसे कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं इस प्रकार से बताया। फिर यीशु ने कहा क्या स्वप्नों का फल करना परमेश्वर का काम नहीं, मुझे अपना स्वप्न बताओ। ये सब में बड़ी बात है कि ये लोग, ये दोनों भी जो लोग थे जिन्होंने, आप वचन पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये परमेश्वर से अपरिचित थे, अनजान और नादान थे। इस 40वीं अध्याय 8वीं आयत में ये अपनी बेबसी, अपनी लाचारी और अपनी मजबूरी बता रहे। ये बेबस है, इनको इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इनके स्वप्न का अर्थ ही नहीं समझ रहा है। ये बेबस है, लाचार है और मजबूर है, ये हमें देखने को मिलता है। और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये स्वप्न हमें आखिर क्या कहना चाहता है, ये स्वप्न हमें क्या दिशा बताना चाहता है फ्यूचर की। यहां पर यीशु जब उनको जवाब देता है क्या स्वप्नों का फल करना परमेश्वर का काम नहीं, ये यहां पर परमेश्वर यीशु परमेश्वर का परिचय दे रहा है कि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या और मेरा काम क्या है, परमेश्वर का काम क्या और मेरा और आपका काम क्या है। ये वचनों में से हमें समझना है। कभी कभी हम परमेश्वर का काम भी अपने हाथ में ले लेते, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। ये यीशु के कैरेक्टर में आपको बताया था, यीशु ने परमेश्वर की योजनाओं को समझा इसलिए वो सफल हुआ। मुझे और आपको भी परमेश्वर की योजना को समझना है। यहां पर मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जब जब हमारे एफर्ट खत्म हो जाते, हमारी कोशिशें जब खत्म होती है, हमारे एफर्ट जब खत्म हो जाते हैं तब परमेश्वर का सपोर्ट शुरू हो जाता है। कभी कभी हम सारे एफर्ट करते, हम सारे कोशिश कर देते, उसके बावजूद हमारे जीवन में, निजी और पारिवारिक जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जब परमेश्वर का सपोर्ट हमें प्राप्त हो जाता है तब हर बात हम हासिल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लिखा है जेनेसिस चैप्टर 41:16, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप भी घर बैठे पढ़ सकते हैं ये जेनेसिस चैप्टर 41:16, उसमें लिखा है, 16 में लिखा है, यूसुफ ने फिरौन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। यहाँ पर भी उन्होंने नकार अपनी महानता, अपना बड़ापन, इन्होंने यहाँ पर उसकी नम्रता उन्होंने बताई कि मैं तो कुछ नहीं जानता लेकिन परमेश्वर ही फिरौन को शुभ वचन देगा। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, एक समाचार उसे दिया, एक मार्गदर्शन फिरौन को भी उन्होंने किया। पहले उन्होंने मार्गदर्शन किसको किया, वो दो जो सपना देखने वाले थे, आप वचन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, जिन्होंने सपना देखा वो सपना वो बयान करते हैं और उन्होंने बताते कि हमें इसका अर्थ कोई भी नहीं बता रहा है, लेकिन उसने बताया कि परमेश्वर है। और यहां पर फिर से वो क्या कहता है, मैं तो कुछ नहीं, परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। बार बार वो परमेश्वर का नाम आगे ला रहा है, अपने आप को एक जरिया, मीडिएटर समझ रहा है वो। ये आगवा भले था लेकिन लोगों के और राजा परमेश्वर के बीच में ये जो मध्यस्थ था, मीडिएटर, परिवार में भी मीडिएटर रहते है ना, परिवार में मीडिएटर होते, कभी दो बच्चों के झगड़े होते हैं तो माँ बाप मीडिएटर बन जाते हैं, कभी कभी कुछ पारिवारिक समस्या से परिवार गुजरता है तो उसमें एक मीडिएटर रहता है और वो सुलझाने का प्रयास करता है। कलीसिया में भी मीडिएटर होते और वो सुलझाने का प्रयास करते। यहां पर भी ये देखते हैं हम, यीशु भी एक मीडिएटर बनकर यहां पर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुटा है। मुझे और आपको वो यीशु परमेश्वर का सोर्स या माध्यम या मीडियम बना था कि परमेश्वर क्या कहता है वो औरों तक पहुंचाए। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, आपको भी और मुझे भी मीडियम बनाना चाहता है, माध्यम बनाता है कि वो आप
अगुवाई करे और यहां पर उसी प्रकार का गाइडेंस यीशु उन दो जो उसके साथ थे कई थे कैदी थे उनको बता रहा। उसके बाद 41वां अध्याय 16वीं आयत में फिरौन के पास आते फिरौन को ले फिरौन के पास उसे लाया जाता है और वो उस स्वप्न का अर्थ बताता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या ये परमेश्वर का काम नहीं। यीशु पूछ रहा है वो दो कैदियों को बोल रहा है कि क्या ये परमेश्वर का काम नहीं। स्वप्न बताने का काम या कोई भी काम परमेश्वर के सिवा हम नहीं कर सकते। अगुवाई कर रहे हैं आप, म्यूजिक बजा रहे हैं आप, शूटिंग कर रहे हैं आप, जवान बच्चों को अगुवाई कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर की ओर से है। ये जब हम अपने दिलो दिमाग में मन और विचार में उतार लेंगे ना तब आपकी अगुवाई जो है आपकी जो लीडिंग है वो सक्सेस हो जाएगी। और परमेश्वर को यहां पर आदर का स्थान दे रहा है। कभी कभी मैं और आप अपने आप को धर्मी काबिल या एलिजिबल समझते नहीं नहीं इस जगह मैं फिट हो सकता है, इस प्रकार की भावना कभी कभी मुझे भी लगती है कि नहीं मैं कर सकता हूं। कोई कोई लोग आके अप्रिशिएट करते नहीं नहीं आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते ये करते, और कभी कभी मेरे दिमाग में मेरे दिल में भी घमंड आ जाता है पर उसे निकालना बेहद जरूरी है। क्या ये परमेश्वर का काम नहीं? चर्च से जुड़े वाले हर एक काम परमेश्वर के, सोशल वर्क से जुड़े वाले हर एक काम परमेश्वर के, पॉलिटिकल जो भी है हर एक परमेश्वर से है। ये सब काम परमेश्वर के हैं क्योंकि तो परमेश्वर देता है परमेश्वर लेता है। तो कभी मैं अपने आप को नहीं समझना कि मैं इस पद के लिए मैं एलिजिबल है, और कभी अपने आप को धर्मी नहीं समझना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं यदि आपको उद्धार पाना है उद्धार प्राप्ति करनी है तो अपने आप को पापी समझे, अपने आप को पापी समझो तभी हमें उद्धार प्राप्त होता है। यहां पर परमेश्वर के पास मांगना है। परमेश्वर के पास क्या मांगना है? उसकी आज्ञा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। आज्ञा के सिवा उसके कमांड के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। और यहां पर यीशु का बोलने का अर्थ वही है क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? और ये सब योजना के तहत प्रभु मुझे और आपको कब चुनेगा ये मालूम है। हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों हमें क्यों चुना है, पहले वो जान लेना हमारे लिए बेहद जरूरत। और यीशु ने ये पहली बात जाना परमेश्वर की योजना। मैं 2-3 सप्ताह से ये बोल रहा हूं परमेश्वर की योजना यीशु के दिल में क्या है, यीशु के बारे में क्या है परमेश्वर की योजना, ये योजना यीशु समझ पाया इसलिए वो सक्सेस हुआ। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है ये समझ पाना बेहद जरूरी है, और तभी वो समझ पाया कि ये परमेश्वर का काम नहीं किया। परमेश्वर को हमेशा मैं और आपको मैं अपने आप को और आपको भी ये विनती करता हूं कि परमेश्वर को अपना काम करने का अवसर दो आपके जीवन में आपके परिवार में आपके कलीसिया में। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया ये जेनेसिस में क्या देख लिया हमने, परमेश्वर की निर्मिति की, परमेश्वर ने क्या किया इस सृष्टि की निर्मिति की और योजना बनाई। और परमेश्वर को मैं हमें ये बताना चाहता हूं परमेश्वर को अपना काम करने का अवसर आप मैं और आप जब देते हैं तो निश्चित आज से निजी पारिवारिक और कलीसिया जीवन में हम आशीष पाएंगे। कभी भी मैं आपको बार बार ये बताता हूं ये क्या परमेश्वर का काम नहीं, अपने आप को पूछो। आप जो भी कुछ काम करते हो चर्च के लिए करते या कुछ जरूरतमंदों के लिए करते कि ये सवाल अपने आप को पूछो ये क्या परमेश्वर का काम नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कलीसिया के जो जो लोगों ने ग्रोसरी बांटी है अनाज बांटा है तो बांटते हो कदा आज भी आप धन्यवाद दो परमेश्वर का। क्या वो काम पर...
परमेश्वर का नहीं था। आपने जो भी अच्छाई की तब हमेशा कहो कि ये क्या परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का ये भी स्वप्न का अर्थ बताना भी परमेश्वर का काम है। गीत गाना, प्रेयर एंड वर्शिप करना, वचन बांटना, सब अच्छा ही करना, क्या परमेश्वर का काम नहीं है? ये आपने आपको पूछना है। और जो अच्छा नहीं है क्या वो परमेश्वर का काम है? आपने आपको पूछो। परमेश्वर की तरफ से उन्होंने मार्गदर्शन लिया, परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे था। जब वो खड्डे में डाला गया था भाइयों द्वारा, तब से लेके वो परमेश्वर की छाया में आ गया। आप कभी अपने आप को खाली अकेला मत समझो। कोई परिवार अपने आप को अकेला और नादान मजबूर ये मत समझो। आप सब काबिल है परमेश्वर में। परमेश्वर तूने मुझे काबिल बनाया इसलिए धन्यवाद करो। हम सब एलिजिबल है परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन परमेश्वर की सब योजनाओं को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। परमेश्वर की योजना क्या है यीशु ने जान लिया, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा है क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। परमेश्वर का काम कौन सा है और शैतान का काम कौन सा है, ये हम परमेश्वर के वचनों में पूरी तरह से आने के बाद ही समझ पाते हैं। आज मुझे ये कहना है क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है कि समेट करना, परमेश्वर का काम नहीं कि क्षमा करना, परमेश्वर का काम नहीं है कि एक दूसरे की मदद करना, परमेश्वर का काम नहीं कि जो डूब रहा है उसको बचाना। तो यहां पर यीशु भी यही कह रहा है क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? आज इसी सवाल से यीशु जवाब भी दे रहा है। आपको मालूम है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, यीशु ने कहा क्या सपनों का फल करना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना स्वप्न बताओ, इस प्रकार लिखा है। इस प्रश्न के द्वारा उत्तर भी दे रहा, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार से वो परमेश्वर की जान पहचान वो अनजान लोगों को, नादान लोगों को जिसका परमेश्वर के परिचित नहीं है, जो परिचय परमेश्वर के साथ नहीं है, वो दो कैदियों को यहां पर परमेश्वर यीशु बता रहा है कि परमेश्वर क्या है, क्या परमेश्वर काम नहीं कर सकता क्या? ये परमेश्वर का काम है तो परमेश्वर करेगा। मैं और आप भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आज के वचन में, आप और मैं यदि बेबस है, लाचार है, मजबूर है, तो प्रभु के पास आइए, प्रभु निश्चित से आपको आशीष देगा। लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो परमेश्वर को, परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी मत भूलना। यदि परमेश्वर को प्रार्थना के लिए आप आते हैं, परमेश्वर को मांगने के लिए आते हैं, तो धन्यवाद करने के लिए भी आना है परमेश्वर के लिए। और हो सकता है, मैं आपको ये बताता, जिस प्रकार से न्यूज देखने को मिल रहे, आने वाले सितंबर माह में हमको प्रभु के भवन में आने का अवसर परमेश्वर देगा, और जब हम आएंगे तब धन्यवाद करने के लिए आना है, कुछ मांगने के लिए नहीं आए। क्यों? तो मांगने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने इस महामारी से बचाया। ये सबसे बड़ी बात है। कितने इन्फेक्टेड लोगों से आप गुजर गए होंगे, आप तुम सोशल वर्क करते हो, अगर कितने लोगों से, इन्फेक्टेड लोगों से गुजर गए, लेकिन परमेश्वर ने साम 91 में लिखे सरकार आपको हर महामारी से बचाएगा, भयले से, जान से आपको बचाएगा। इसके लिए धन्यवाद करना आना है सितंबर महीना में। जब भी चर्च खुलेगा, यदि प्रशासन या गवर्नमेंट हमें अनुमति देती है, तो आने के वक्त जब भवन में आप आएंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आइए, मांगने के लिए कुछ मत आइए, क्योंकि तो परमेश्वर ने आपको आपका जीवन दान दिया है इस 5 महीने में, इस महामारी।
महामारी में, इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपके हर एक नासाओं को पूरा किया है। परमेश्वर ने आपके परिवारों को नजदीक किया है, इसके लिए धन्यवाद करने आना। मैं आपको विनती करता हूं, कभी आप भवन में जब आएंगे यहाँ पर मांगने के लिए मत आओ, धन्यवाद करने के लिए आओ, ताकि परमेश्वर आपको बेहोता से आशीष दे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जब आपके प्रार्थनाओं में एफर्ट रहेंगे, आपके उपास में एफर्ट रहेंगे, तब परमेश्वर का फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा। एफर्ट और सपोर्ट साथ है। हमारी एफर्ट मतलब हमारी जो कोशिश है प्रार्थना उपवास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की, परमेश्वर को खुश करने की, वो एफर्ट हमको परमेश्वर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है उस एफर्ट के द्वारा। याकूब के घराने ने जितनी घटनाएं घड़ी आपको मालूम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यीशु का संबंध है उसमें। याकूब के परिवार से जितने घटनाएं घटी है उसका सबको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यीशु का संबंध आता है हम देखते हैं। अरे पूरे चैप्टर्स में यीशु एक बहुत बड़ा अगुआ उभर कर आया हम देखते हैं। क्यों आया उभर कर? कि वो परमेश्वर के समीप था, परमेश्वर के नाम में उन्होंने अपने भाइयों को क्षमा की, परमेश्वर के नाम में उन्होंने जो जो अच्छाई करनी थी। आप पर मैं बार बार ये कहता, अगले संडे में शायद मैं इस पर बात करूंगा, यीशु ने जो अच्छाई की परमेश्वर ने उसके द्वारा उस परिवार को, इस्राएल राष्ट्र को जो आशीष दी, और उसके बाद मूसा के द्वारा जब उसे एक्सोडस में देखते हैं, निर्गमन में उसे बाहर निकाला, उसे इस्राएल, ये इस्राएल बात था, लेकिन पहला अगुआ यीशु था। इन्होंने जो कार्य किया वो आज भी, आज परमेश्वर हमारे साथ ये कहता है, क्या सपनों का ये कार्य परमेश्वर का है या नहीं, ये जानना मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। आप जो भी कार्य करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चर्च के लिए काम करते हैं, चर्च के लिए गाना गाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, अपने आप को पहले पूछना है, क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? और जब भी मैं और आप बुराई करते हैं, तब अपने आप को सवाल पूछना है, क्या ये शैतान का काम नहीं है? ये जब अपने आप को सवाल आप पूछेंगे, तो परमेश्वर की आशीष हमसे ज्यादा दूर है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तूने हमें चुना प्रभु परमेश्वर, चुना इसलिए कि हम तेरे लिए फल लाए प्रभु परमेश्वर। आज यीशु के द्वारा उसका सवाल उन दो कैदियों के लिए प्रभु परमेश्वर, क्या ये परमेश्वर का काम नहीं है? यदि हम अच्छाई करते हैं तो दिल बड़ा कर कहिए कि ये क्या परमेश्वर का काम नहीं है। यदि हम बुरा करते हैं तो हम अपने आप को सवाल पूछे, क्या यह शैतान का काम नहीं है? शैतान के और परमेश्वर के काम में हम फर्क करें प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार से यीशु बड़ा बना प्रभु परमेश्वर, गुलाम से प्रधानमंत्री बना प्रभु परमेश्वर, उस प्रकार आज हम कुछ भी नहीं है प्रभु परमेश्वर, बनाने वाला और नष्ट करने वाला केवल तो परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर। ये वचन आप जो सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक निजी जीवन को, पारिवारिक और कलीसिया जीवन को तो बना प्रभु परमेश्वर, निजी तौर से उन्हें अपने आप को तैयार करने के लिए बना प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए काम कर सके। हमारे सारे प्रार्थना को सुना, इस वचन को तो आशीषित कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। आने वाले सप्ताह के कुछ सूचना इस प्रकार से है, हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे होती है, यदि ऑनलाइन सर्विस होती है तो 9:30 बजे सवेरे होती है रविवार के दिन। मंथली टाइथ कंट्रीब्यूशन डोनेशन ऑफरिंग जो भी है आप पालना ट्रेजर के पास जमा कर सकते हैं, या सोमवार से शनिवार तक सवेरे 11 से दोपहर 2 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ। यदि आप फोन कर आते हैं तो आपकी ऑफरिंग और जो भी है आपकी ली जाएगी और उसकी रिसिप्ट आपको दी जाएगी। जिन्होंने मेरे पास ऑफरिंग या डोनेशन या मंथली कलेक्शन जमा किया, आपकी रिसिप्ट ऑफिस में है, आप ऑफिस में आकर मेरे
तरफ से आप ऑफिस में आकर कलेक्ट कर सकते हैं। आपको निवेदन करते हैं, कुछ संकेत प्राप्त हुए चर्च रीओपन होने के, मंदिर मस्जिद चर्च ओपन होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपके पास जल्द से जल्द ये पैगाम या ये समाचार, हमारे सुसमाचार ही है ना, तो ये समाचार आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे व्हाट्सएप द्वारा या फोन द्वारा। तो कृपा करके आप भी व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर आप भी अलर्ट रहिए, इस प्रकार आपको विनती की जाती है। एक प्रार्थना का निवेदन आया है, प्रिया ढाकरे इनके ब्रेन ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम्स है। उनके पिता रोज आते प्रार्थना के लिए, अपने चर्च के पास आते हैं, मैं इसमें से कैमरा में से देखता हूँ, रोज प्रार्थना करके जाते हैं और वो निवेदन करते हैं। आज प्रशांत बच्चों साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की लिखित स्वरूप में, तो आप सबको विनती है ये नाम लिख के लीजिए, प्रिया ठाकरे, परमेश्वर इस बेटी के द्वारा उस परिवार को अपने में लाएगा, उसको चंगाई देगा, उसके ब्रेन में जो भी मुश्किल है उसको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आप इसलिए आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार आपको विनती कीजिए। आपको सूचना है, लॉकडाउन पीरियड शायद खत्म होने के मार्ग पर है, हमारा चर्च वर्शिप नियमित रूप से शुरू होने के मार्ग पे है, लेकिन जब भी ये काम पूरा होगा मैं आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास, मैं पास्टर कमेटी और चर्च के लीडर देने का प्रयास करेंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से लोगों ने कार्य किया है, पिछले 5-6 महीने में जो जो काम किया है, अनाज का, ऑनलाइन सर्विस का, जो जो भी काम थे उन तमाम लोगों के लिए मैं, जिसका भी नाम लेना भूल गया मैं, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। मार्टिन नागोरे के लिए हम धन्यवाद देंगे, खासकर रिकॉर्डिंग किया पूरे लॉकडाउन में, परमेश्वर आपको मार्टिन नागोरे और उनके नागोरे परिवार को ढेर सारी आशीष दे। क्लेमेंट अल्लाड़ा साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, चर्च के लिए लीडर, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने बहुत बहुताय से, मैं जब भी लॉकडाउन में पुणे में था उन्होंने ये भक्ति का आयोजन किया, और उस टाइम तो बहुत कठिन था समय, लेकिन उस पीरियड में भी क्लेमेंट अल्लाड़ा सर चर्च ले लीडर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अगुवाई की। उसी प्रकार हमारे चर्च के सेक्रेटरी मिसेस रेखा यवान सिस्टर, इन्होंने भी जो लिखित रूप में जो जो थे डॉक्यूमेंट्स काम थे उन्होंने पूरा किया ये लॉकडाउन पीरियड में, उन रेखा सिस्टर का भी धन्यवाद देता हूँ, ट्रेजरर साहब का धन्यवाद देता हूँ, और उसी प्रकार पास्टर कमेटी के लोग जो जो वक्त वक्त पे काम आए उन तमाम लोगों का, फ्यूनरल भी बहुत हो गए है, तो उन तमाम फ्यूनरल में जो जो लोग हाजिर थे, खासकर शिमो नागवरे, संदीप बेराम जी, जीवन पारसिंह, यवान आकाश और कौन कौन थे तमाम लोगों का, श्याम सुंदर रावण गांवकर, ये लोग भी उस जगह थे, बहुत कठिन समय में उन्होंने कार्य किया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बंसोड़ साहब के लिए, प्रसाद बंसोड़ के लिए जितना भी धन्यवाद करना उतना कम है, जब भी जरूरत पड़ते नहीं नहीं बोलते हो, तो उन प्रशांत बंसोड़ साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एडवोकेट सैमसन करकरे साहब का धन्यवाद देता, म्यूजिक के लिए उन्होंने कार्य किया, उसी प्रकार लिविंग स्टर सतीश तमलवार, इन्होंने भी अगस्टिन सैमसन करकरे और सैमसन क्या सतीश तमलवार, इन्होंने म्यूजिक में सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। उसी प्रकार लिविंगस्टन आट्टीगिरी, प्रिंस जेकब, सुनील वेलूरकर, सुनील बोधनकर, पांडुरंग वावळे, क्षितिज निर्मल, जीवन भारसिंगे, आकाश गुप्ते, यवान सूर्यवंशी, श्याम सुंदर, अल्फ्रेड जेकब जॉनसन, ये सब लोगों ने, बहुत से लोग हैं आज भी शायद भूल गए होंगे हम मेरे तरफ से, या लिस्ट जिन्होंने दी उन्होंने शायद भूल गए होंगे, लेकिन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में बड़ा सहयोग दिया, और जिनका नाम लिया उनको दुगनी आशीष परमेश्वर दे, इस प्रकार से मैं विनती करता हूँ। जिसका शायद नाम नहीं लिया होगा लेकिन परमेश्वर उनको भी दुगनी आशीष दे, खासकर श्याम रावणगांवकर की तरफ से विनती है, प्रियंका श्याम सुंदर रावणगांवकर, इनके लिए आप प्रार्थना भी याद रखिए, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार विनती कीजिए। येशुदास वाघमार, इनके लिए भी प्रार्थना भी याद रखिए। बहुत से बीमार लोग हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, आपको किसी भी प्रकार से टेम्परेचर, खांसी, सर्दी है, आप किसी का रास्ता मत देखिए, लोग क्या बोलेंगे, आप तुरंत दवाखाने में जाइए, घर का इलाज मत कीजिए,
लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आप आपके परिवार के उस पीड़ित व्यक्ति को गमा देंगे। मैं आपको बताता हूं, घर का इलाज मत कीजिए। मेरे बेटे को भी टेम्परेचर था, लोग क्या बोलेंगे ये नहीं देखा मैं, तुरंत गया, निमोनिया डायग्नोस हुआ, उसका इलाज हुआ, घर बैठे हुआ। हॉस्पिटल गए, वहां नेगेटिव, दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए प्रभु की कृपा से, और फिर मैं घर पर लेकर आया। मैं आपको आपके पिता इस समान बताता हूँ, कलीसिया का मैं पिता हूँ। आपके घर में कोई भी छोटा मोटा सर्दी जुकाम खांसी है परिवार के, तो आप मत डरो कि कलीसिया क्या बोलेंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कीजिए, आपके लिए प्रार्थना हम भी करेंगे, बरोबर है। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, घर बैठे इलाज मत कीजिए। परिवार डॉक्टर परमेश्वर ने दिए वाले, तो उसका गाइडेंस लीजिए आप, वो सब दूर कीजिए। इस प्रकार विनती की जाता हूँ, मुझे मेरे घर में जो हुआ उसके लिए बताता हूँ। मैं तुरंत दूसरे दिन परे दवाखाने में गया, मेरा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त है आज। तो आपको भी निवेदन है, सर्दी खांसी जो भी आती है आप दवाखाने में जाइए, लोग क्या बोलेंगे बोलने दो, आप आपके परिवार के उस प्रियजन को गंवा देंगे। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, आइए दान अर्पण होगा। गीत नंबर 526 पहला स्टैंजा गाएंगे, 526। पिछले अगस्त माह में हमारे ऊपर उंडेली, पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमारे ऊपर उंडेली, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। आज के इस दान के द्वारा, आज के भक्ति के द्वारा केवल तेरा गौरव पाए प्रभु, ने जिस हाथ से दिया है, जिस भंडार से आया प्रभु, में सबको तो आशीष से माला मान कर इस दान को व्यक्ति रात के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनार कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जो ऑनलाइन भक्ति में शामिल हुए उनके साथ, जो ड्यूटी पे है, जो सफर में है, जो आ नहीं पाए, जो बीमार है, उन सभी के साथ, आने वाले हर एक्टिविटीज के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।